इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स देन फाइंड द सिंप्लीफाइड वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन. ये क्वेश्चन हमारे दिल्ली 2017 में पूछा गया था. ए माइनस आई की क्यूब को हम लोग नॉर्मली जैसे हम ए माइनस बी की होल क्यूब करते हैं वैसे एक्सपेंड कर सकते हैं. ठीक है, तो सॉल्यूशन देखिए जल्दी से इसका क्या है. हमारे पास यहाँ पर है a माइनस आई की होल क्यूब, तो ये हमें एक्सपेंड होके देगा a क्यूब माइनस आई क्यूब माइनस 3a स्क्वायर आई एंड देन प्लस 3a आई स्क्वायर. ये फर्स्ट टर्म हमने यहाँ पे एक्सपेंड कर ली. प्लस सेकेंड टर्म हमारे पास है a क्यूब प्लस आई क्यूब प्लस 3a स्क्वायर आई एंड प्लस में 3a आई स्क्वायर. साथ ही हमारे पास माइनस का 7a भी है. इसको मैं पार्टीशन कर देता हूँ ताकि यहाँ पे हम लोग कुछ लिख सकें. तो ये हमारे पास एक्सपेंड होके दोनों टर्म्स आई. अब हमने क्या साफ साफ देखा, a क्यूब और a क्यूब को मिला के हमारे पास 2a क्यूब आ सकता है. माइनस आई क्यूब है प्लस का आई क्यूब, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे यहाँ पे. माइनस का 3a स्क्वायर आई है प्लस का 3a स्क्वायर आई है, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे यहाँ पे. और प्लस का 3a आई स्क्वायर प्लस का 3a आई स्क्वायर मिलके बन जाएगा 6a आई स्क्वायर. माइनस का 7a हमने एज इट इज़ लिख दिया. अब एक चीज़ नोटिस कीजिए आप लोग, हमने थोड़ी देर पहले सीखा था अभी कि कोई भी डायगोनल मैट्रिक्स अगर आपके पास होती है और अगर आप उसका स्क्वायर वगैरह करते हैं फिर मल्टीप्लीकेशन ही करते हैं तो सिर्फ डायगोनल के एलिमेंट्स ही डायगोनल के एलिमेंट से मल्टीप्लाई होते हैं. ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे आई स्क्वायर की, आई स्क्वायर का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स के आई इंटू आई की बात करते हैं, तो ये हो जाएगा 100 001 and 100 010 001. तो इसका प्रोडक्ट क्या आएगा हमारे पास, तो वो हमारे पास फिर से 1 into 1 ही आएगा 0 0 0 1 into 1 ही आएगा 0 and 0 0 1 into 1 ही आएगा. तो इन शॉर्ट आई स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारे पास, आई हो जाएगा. ठीक है, इस बात को ध्यान से नोटिस कर लीजिए आप लोग. एक और चीज़ आप देख सकते हैं यहाँ पे, अगर हम किसी भी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें वही मैट्रिक्स मिल जाती है. अब चाहे वो मैट्रिक्स पहले हो चाहे वो मैट्रिक्स बाद में हो, हमें आंसर वही मैट्रिक्स मिल जाती है. ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इसको एक्सपेंड करने की और कोशिश करते हैं. ए क्यूब को हम लोग लिख सकते हैं 2 into में ए स्क्वायर इंटू ए प्लस 6 times ऑफ ए आई स्क्वायर हमारा बन जाएगा आई माइनस में 7. कोई इशू नहीं यहाँ से यहाँ तक. हमारे पास क्वेश्चन में गिवन था कि ए स्क्वायर इक्वल्स टू आई के बराबर है, तो क्यों ना हम यहाँ पे पुट कर दें उसको. तो ये हमें दे देगा 2i इंटू ए प्लस व्हाट इज 6a इंटू आई, ए इंटू आई बोलिए चाहे i इंटू ए बोलिए हमें ए ही मैट्रिक्स मिलती है. तो ये हमें दे देगा 6a माइनस में 7a. कौन सी प्रॉपर्टी हमने इस्तेमाल करी, सिंस a इंटू आई इज इक्वल्स टू a होता है. ओके, नाउ आई इंटू ए भी हमारे पास ए होता है, तो हमने इसको लिख दिया 2a प्लस 6a माइनस 7a. ठीक है, और हमने एक और चीज़ ऊपर इस्तेमाल करी थी, ए स्क्वायर इक्वल्स टू आई था, तो सिंस ए स्क्वायर इक्वल्स टू आई ये चीज़ हमें गिवन थी, ये भी हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया था. ठीक है, तो 2 और 6 8 में से 1 गया तो 7 गया तो 1, यानी कि हमें ए मिलेगा सिर्फ यहाँ पे. तो ये इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म है. इस क्वेश्चन को उतार लीजिए आप लोग, 1 या 2 marks में इस क्वेश्चन को ये लोग पुट कर सकते हैं. ट्रू फॉल्स में भी आ सकता है, फिर इन द ब्लैंक्स में भी आ सकता है सवाल ये वाला, तो इसको भी प्लीज़ आप लोग नोट डाउन कर लीजिए अपनी कॉपी में.